आज हम बनाने जा रहे हैं लच्छा पराठा। लच्छा पराठे के लिए मैंने ये डो तैयार करा है। मैंने यहाँ पे रोटी का नॉर्मल आटा, उसमें मॉइन तेल लगा, तेल डाल के अजवाइन और नमक डाल के आटा तैयार करा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दिया जाए। यहाँ पर मैंने घी लिया मेल्ट और उसके अंदर ये आटा भून लिया, ऐसा पीस तैयार किया। और ये 10 मिनट के लिए आटा। अब अपन पराठे की तैयारी करते हैं। पहले गैस पे ये पैन रख देते हैं, सिम पे रखते हैं, तब तक पराठा बेलते हैं। इसमें वैसे तो ऑयल लगा हुआ है, ऑयल डाला हुआ है, तो इसमें डस्ट की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको जितना आप पतला बेल सकते हैं उतना बेल। अभी मैं बेल के बताती हूँ कितना पतला बेलना है अपने को। मैंने इसको हल्का सा डस्ट किया है आटे से। मैंने यहाँ पर बड़ा लोई लिया है, तो बड़ा पराठा बना ली। पराठा तो बड़ा ही अच्छा लगता है ना, इसलिए बड़ा। आप छोटा भी ले सकते हैं। तो अपन ने इसको बेल देते हैं। ये हो गया इसकी, इतना ही बेलना अपने को। देख सकते हैं आप इतनी मोटाई है ना। अब इसको अपने को कैसे करना है, सबसे पहले यहाँ पर ग्रीस करना है, फिर इसको एक फोल्ड करेंगे, फिर वापस इसको ग्रीस करेंगे यहाँ से, फिर इसको उल्टे की तरफ से करना है, ऐसे वाले को नीचे डाल के दबाना है। वापस इतना बेल लिया इसको, ये इतनी मोटाई रखी है इसकी। वापस अपन को ये पीस अप्लाई करना है, इसी को अच्छे से फैला देते हैं। इसकी एक एक परत खुल के आएगी जब इसकी सिकाई होगी। अब इसको अपन को वापस, अब यू नॉर्मल सिलेंडर की तरह घुमाना है, पूरा रोल कर दिया, फिर वापस हल्का सा ऐसे रोल करके, अब इसको वापस ऐसे घुमाना है, इसको वापस लास्ट वाले को नीचे दबाते हैं, अब इसको वापस ले। इतना सॉफ्ट हो चुका है, अपने को बेलन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अपन इसको हाथ से फैला देते हैं। लच्छा पराठा हल्का सा मोटा ही रहता है, मोटा ही इसलिए देख सकते हैं आपने, मैंने इतनी मोटाई रखी है। अपन को सिंपल ही इसको सेकना है। अब अपन को तवे पे डाल दिया, अब इसको अपन को सिम पे ही सेकना है। ये पराठा एक तरफ से हो गया है, इसको सावधानी से पलट लेंगे अपन। ये देखो ऐसा हो गया, इसको सिम पर ही करना है, ऐसे अच्छी सिकाई करनी है। आप देख सकते हैं अभी ऐसा सिका है, अब लगभग हो ही गया। अब अपन इसको घी डाल के उसी तरह से इसको पलट देते हैं। मैंने यहाँ पे घी लगाया, आप बटर भी लगा सकते हैं। इसको पलट के सिम पर ही सेकना है अपने को, तभी तो क्रिस्पी होगा। सिक्के तैयार हो चुका है, मैंने इसको पलट के देखो इस तरीके से सेकना। अब इसको गैस बंद करके नीचे प्लेट में डालते हैं। तो पराठा बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए, ऊपर से घी लगाया। अब आपको मैं इसको चूर के बताती हूँ। अच्छा पराठा बिना चूर, देख सकते हैं आप इसकी लहरिंग कितनी जबरदस्त थी। मैंने यहाँ पर दाल मखनी बनाई इसके साथ, आप पनीर के साथ, छोले के साथ, किसी के साथ इसको रैलिश कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये लच्छा पराठा पसंद आया है तो आप जरूर कमेंट करके बताएं और शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।